हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया अपने बेटे पंकज के लिए लड़की तलाश रही थी और एक दिन जब उसके खानदानी पंडित ने उनको एक सोनाली नाम की लड़की की फोटो भेजी तो उस लड़की की फोटो देखते ही माया अपने बेटे से बोली, पंकज देखना, मैंने कहा था पंडित जी को कि वो तेरे लिए किसी सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता भेजे और उन्होंने किसका रिश्ता भेज दिया। ये लड़की तो बिल्कुल तेरे लायक नहीं है। अच्छा जी, क्यों, जरा दिखाओ तो, नाक टेढ़ी है लड़की की या गर्दन? ना नाक टेढ़ी है ना गर्दन, बल्कि लड़की सांवली है। तुझ जैसे गोरे चिट्टे के साथ ये काला चंद भाएगा नहीं। मैं कल ही फोटो वापस मोड़ दूंगी। एक मिनट माँ, लड़की की फोटो मुझे तो दिखाओ, रिश्ता मेरे लिए आया है और आप मुझे दिखाए बिना ही मना कर रही हो। ले देख ले, देख कर मना कर ही देगा। पंकज जैसे ही उसकी फोटो देखता है तो उसकी नजरें उसके सांवलेपन पर ना जाकर उसके तीखे और सुंदर नैन नक्श पर जाती है, जिससे इम्प्रेस होकर पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ कितनी अच्छी लड़की है, आप कैसे मना कर सकती हैं? मुझे तो ये फोटो में ही पसंद आ गई। प्लीज माँ अपने बेटे की खुशी के लिए मान जाओ और मेरी शादी इसी से करवा दो। क्या तुझे ये सांवली पसंद आई? बेटा आज तक इस लड़की को तेरे जैसा सुंदर दोस्त या बॉयफ्रेंड नहीं मिला होगा और तू इसको हाँ करके सीधा पति दे रहा है। माँ यार, किसी और को पसंद हो या ना हो, मुझे तो पसंद है, इसीलिए आप मेरी शादी इसी से करवाओ। अपने बेटे की जिद के आगे आज तक किसी माँ की कहाँ चली है जो माया की चलती। अपने बेटे के चक्कर में वो दो दिन बाद सोनाली के घर उसको देखने जाती है, जहाँ उसके मोहल्ले में आकर वो एक लड़के से सोनाली का पता पूछते हुए कहती है, अरे बेटा यहाँ कोई सांवली सी लड़की रहती है ना, जो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, उसका घर कहाँ है? माँ आप उसका नाम भी तो ले सकती है ना। अरे भैया वो सोनाली का घर पूछ रहे हैं। अरे उसका घर का पता बताने के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, आइए आइए, इसी बहाने सोनाली के दर्शन हो जाएंगे। बेटा ये लड़की तो बहुत ज्यादा फेमस है अपने मोहल्ले में। हाँ सांवली है, इसके जैसी कोई और होगी नहीं। चारों तरफ जिसका मजाक बनता हो उसको तो सब जानेंगे ही, पता नहीं तुझे क्या पसंद आया है उसमें। माँ यार चुपचाप चलो ना। कुछ देर में वो लड़का माया और पंकज को सोनाली के घर ले जाता है, जिसके बाद वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ सोनाली की माँ कमला उन लोगों का स्वागत करती है और कुछ देर में सोनाली भी उनके सामने आती है। सोनाली भले ही सांवली थी लेकिन उसके नैन नक्श देखकर उससे किसी को भी प्यार ना हो ऐसा नहीं हो सकता था। पंकज भी सोनाली को सामने से देखकर कहता है, सांवले रंग के साथ भी कोई इतना खूबसूरत हो सकता है, ये आज पहली बार देख रहा हूँ। अब सारी खूबसूरती गोरे रंग में समाई हो ये तो जरूरी नहीं है ना। पंकज को सोनाली तो पहले ही पसंद थी और सामने देखकर तो उसने जल्दी रोका करने में देरी नहीं लगाई और रोके के दो हफ्ते बाद ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब बहू घर आई तो उसके पीछे एक लड़का उसका सामान लेकर घर के अंदर आया, जिसको देखकर माया बोली, तुम तो वही लड़के हो ना जो हमें सोनाली के मायके में मिले थे जब हम इसको देखने आए थे। काश उस समय घर न दिखाकर भटका देता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी आंटी, मैं ये सोनाली के मायके से आया सामान रखने आया हूँ। सामान रख दिया ना, अब जाओ। जा रहा हूँ सोनाली, जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सोनाली की आँख से एक आंसू का कतरा भी बहा तो लाशें बिछा दूंगा। ये क्या था? उस लड़के को आंखों में आंसू भरकर जाते देख माया अपने मन में कहती है, इतना तो इसकी माँ नहीं रोई जितना ये लड़का आंसू बहाकर चला गया। इस सांवली बहू का भी कोई आशिक होगा, सोचा नहीं था। माया इस बात को मजाक मजाक में टाल देती है। एक दो दिन सुख शांति से गुजर जाते हैं लेकिन शादी के बाद पगफेरे की रस्म होती है, जिसके लिए जाना तो पंकज को था सोनाली के साथ, लेकिन किसी काम के चलते वो साथ ना जाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ सोनाली को पगफेरे की रस्म के लिए जाना है तो ऐसा करो आप ले जाओ, मुझे ना ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, मैं जल्दी से खत्म करके आप दोनों को लेने आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं टैक्सी करके बहू को ले जाऊंगी। पंकज अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। कुछ देर में सोनाली के तैयार होकर आने के बाद माया भी उसके साथ उसके मायके जाती है, जहां मायके पहुंचकर कमला अपनी बेटी की शादी के बाद पहली बार घर आने पर उसकी आरती उतारते हुए कहती है, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, आजा आजा घर में तेरा कोई इंतजार कर रहा है। कोई और कौन? माँ जी अंदर चलो देखते हैं। सोनाली घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसके ऑफिस का एक दोस्त राघव बैठा हुआ था, जो सोनाली को देखकर भावुक होते हुए कहता है, सोनाली तुम आ गई, आज मुझे आंटी से पता चला कि आज तुम पगफेरे के लिए आने वाली हो, इसीलिए मैं आ गया। माफ करना शादी पर नहीं आ पाया क्योंकि तुम्हें किसी और का होते हुए मैं नहीं देख पाता। तुम भी ना राघव। अच्छा ये बताओ अकेले आए हो,
अमित नहीं आया? बहू पहले ये कौन है ये तो बता। बहन जी मेरी बेटी का ऑफिस का दोस्त है राघव, ये सोनाली को पसंद करता था, इसने सोनाली के लिए रिश्ता भी भेजा था, लेकिन सोनाली के ऑफिस के रिश्ते खराब हो जाते इस वजह से शादी से इनकार कर दिया। मतलब अब ये बहू का आशिक बना फिर रहा है? वाह क्या नजारा है, पग फेरे पर ये सब देखने को मिल रहा है। आंटी जी आप ज्यादा बोल रही हैं। और सोनाली तुमको पता है अमित क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको भी दुख था तुम्हारी शादी का, और साथ ही बॉस उनको जब पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है तो उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ऑफिस ही नहीं आ रहे थे, इसलिए अमित उनके साथ उनका दुख बांट रहा है। वाह वाह क्या कहानी सुन रही हूँ। यहाँ आकर एक सांवली लड़की जो कि रंग रूप में सांवली है, उसके चार चार आशिक हैं। एक वो जो घर सामान छोड़ने आया और मेरे बेटे को धमकी देकर गया, एक मेरे सामने बैठा है और अभी दो कहीं साथ बैठकर गम भुला रहे हैं। बहन जी ये आप क्या बोल रही है, आशिक मेरी बेटी ने इनको अपना आशिक नहीं बनाया, तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। ये सब दरवाजे पर खड़ा पंकज सुन रहा था जो हैरान चेहरा लेकर घर के अंदर आता है। उसके आते ही माया उससे कहती है, बेटा देखा तूने कैसी लड़की से रिश्ता हुआ है तेरा, इस सांवली बहू के एक नहीं चार चार आशिक हैं। बेटा पहले तो मैं इसके रंग की वजह से इसे पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो इसका करेक्टर भी काला लग रहा है। बस माँ जी पहली बात मैंने किसी को अपने पीछे नहीं लगाया, और दूसरी राघव से शादी ना करने का रीजन माँ ने बता दिया, बॉस खुद एक शादीशुदा इंसान था, ऐसे इंसान को मैं अपने पीछे कभी सपने में भी नहीं लगा सकती, और सामान रखने आया लड़का मेरे भाई जैसा है, हर साल उसके घर राखी भेजती हूँ, और अमित उसको मुझसे प्यार तब हुआ जब उसकी शादी तय हो चुकी थी, तो कैसे मैं उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती। सही कहा इसने, बॉस की खराब नजरों के चलते तो सोनाली ने जॉब छोड़ दी थी, और मुझे और अमित को सोनाली पसंद थी, लेकिन सोनाली ने कभी हमें ऐसे इशारे नहीं दिए कि उसके दिल में हमारे लिए कुछ है। मैं कैसे मान लूं? माँ शादी से पहले आप कह रही थी कि सावली सी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड भी रहा होगा या नहीं, और जब आपको उसके एक नहीं चार चार आशिक के बारे में पता चला तो आपको अब भी उसमें ही कमी दिख रही है। अरे दुनिया सावले लोगों के लिए क्या क्या थिंकिंग लेकर जी रही है, अगर रिश्ते ज्यादा आए तो ये कि आखिर इस सावली में क्या दिख गया, और नहीं आए तो इस सावली में किसी को क्या ही पसंद आएगा। फिर भी आपको मुझ में ही कमी दिख रही है ना माँ जी, तो इस शादी को खारिज करवा कर अपने बेटे को ले जाइए आजाद करवा कर, क्योंकि इन आशिकों को तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन मैं अपने पति और अपनी गृहस्थी के प्रति ईमानदार रहूंगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। फिर भी आपको आज़ादी है कि ये शादी खारिज करवा कर पंकज जी को ले जाने की। बहू मुझे माफ कर दे, मेरी ही गलती है, सांवली बहू के चार आशिक तो देख लिए, लेकिन अपनी बहू का खुद का करेक्टर और दिल नहीं देख पाई मैं कि वो कितना साफ है, और मेरी इस छोटी सोच के लिए मुझे माफ कर दे। सांवली बहू के चार आशिकों के बारे में जानकर माया को झटका तो लगा, लेकिन अपनी बहू के इसमें कोई भागीदारी ना पाकर वो अपनी बहू पर लगाए इल्जामों के लिए उससे माफी मांगती है, और खुशी खुशी पग फेरे की रस्म करके उसको घर वापस ले आती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।